गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे टू ऑफ अ राइड टू लद्दाख. इट्स अ सुपर फ्रेश मॉर्निंग इन मनाली. आई जस्ट गॉटन अप. लेट्स सी व्हाट दीज गाइज आर अप टू. अभिनव, तुषार एंड युधवीर. उधर पड़े हो? अरे बहुत बढ़िया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ऐसा है, ये लग्जरी रूम है. ठीक है, हमारे से छोटा है, नो डाउट. वो क्या इनका रूम? डीलक्स रूम है. तुम्हारा सस्ता रूम. गरीब रथ. सोफा है तुम्हारे रूम? नहीं नहीं भाई, सोफा नहीं. क्या बहुत बड़ा सोफा है भाई, बहुत बड़ा सोफा है. आज एक्चुअली ऐसे स्ट्रेचेस आएंगे जहाँ पे 140 चला सकते हो आप पहाड़ों के बीच में. ऐसे बिल्कुल प्लेन, फुल विजिबिलिटी एंड तक वैली. ऐसे मत बोल यार, हमारी बाइक वैसी, मेरे को डर लग रहा था कि मनाली आते आते ना पिस्टन यूं उड़ के बाहर आएगी, क्योंकि यूं चलती है वो पूरा फुल थ्रॉटल. एक्सपल्स की टैंक रेंज क्या ही होता एग्जैक्ट? मेरे को कोई आइडिया नहीं है. 13 लीटर इसको बताओ भाई. टैक्स क्या मालूम यार, कुछ नहीं पता यार. कितने लीटर का टैंक है? आई थिंक 350 किलोमीटर चल रहा है. 12 लीटर है, 13 लीटर है. 350 चल जाएगी, बिकॉज़ 13 लीटर का टैंक है. पर एवरेज तो 10 ही होगा ना यार. हाँ, मेरी नहीं चल सकती ना उतनी, मेरी बिग बोर सब कुछ है यार. मैंने सेम पेट्रोल भरवाया हर बार. नमस्कार. ओहो नमस्कार. सो दिस इज आवर रूम वेयर वी आर स्टेइंग, वेयर सुमित एंड मी आर बेसिकली स्टेइंग. अ स्मॉल रूम बट डिसेंट है यार. एंड एज ऑलवेज सारा सामान बिखरा हुआ है बाइकर्स का. सो दोज आर द सीन्स अराउंड. वी आर स्टेइंग एट द मनाली हाइट्स होटल. एक्चुअली बिफोर कमिंग टू मनाली वी आर थिंकिंग दैट वी शुड गेट अ रूम बुकड इन मनाली, बट फियरिंग दैट मनाली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा. एक दो लोग हमारे ग्रुप में फियर कर रहे थे, बट यहाँ पर ना अभी इस समय कोई भी क्राउड नहीं. रीज़न दो हैं, इनफैक्ट तीन हैं. एक तो कोरोना टाइम्स, सेकेंड यू नाउ नीड एन RT-PCR अगेन टू एंटर हिमाचल विच एड्स वन मोर हैसल, एंड थ्री द न्यूज़ ऑफ ऑल द लैंडस्लाइड्स हैपनिंग ऑल अराउंड इन द हिल्स. सो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर प्रिवेंटिंग टूरिस्ट टू कम टू हिल स्टेशंस. सो द टाइम राइट नाउ इज़ अबाउट 8:30 AM. आई गॉट अप प्रिटी अर्ली, इवन कंसिडरिंग के उससे पहले वाली रात को हम सिर्फ 2 घंटे सोए थे, बट द फ्रेशनेस होती है ना पहाड़ों की, वो आपको जल्दी उठा देती है. सुबह के सीन्स देखना ही आई फील इज़ द मोस्ट वर्थ इट. सो विल टेक आर टाइम टू गेट रेडी, हैव अ रिलैक्सिंग ब्रेकफास्ट, बिकॉज टुडेज़ डेस्टिनेशन इज़ जिस्पा, विच इज़ लाइक 94 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. नॉट मच ऑफ अ राइड, मे बी लाइक 4-5 hours टू रीच जिस्पा फ्रॉम हेयर. यार ये सही है, शादी नहीं है. हाँ भाई, ये तो बेस्ट एकदम, आज़ादी पूरी. ओह तभी तो आवाज में इतना हेफ्ट आ है सुनने की. वो कमेंट माय प्रिंसिपल सबिना बट शादी एंड आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, आई एम सिंगल एंड आई एम फकिंग हैप्पी. आवाज जो है ना वो नेजल है ही नहीं, क्योंकि नाक से तो निकलती नहीं हवा बिल्कुल भी, तो वो गले से और वो उसकी वजह से थोड़ी सी डीप होती है. पर उस समय यार फट गई होगी वैसे लिटरली. मैं इसको बता रहा था कल मोमेंट कि बंदे ने गियर पहनी हुई है, हेलमेट पहनी हुई है, और बंदा ऐसे कर रहा है, हेलमेट नहीं कर सकते हेल्थ गियर पहन के, बैग भर जा रहा है उसमें, पानी भर गया जूतों में, पानी भर गया. और ज्यादा वेट रहा है ना, या तो आप सब उतार लो. अब मैं पैडल कर रहा हूं, आई नहीं रहा ऊपर. अच्छा जूता जो नीचे जाता था वापस नहीं आता था, क्योंकि खींचो कैसे उसको, भर गया ना वो पानी से यार. अरे सुनो ये सुनो, मैं घुसा महाराष्ट्र पहले, मेरे से सुनो कि 11 बजे से पहले हम निकलने वाले नहीं है. ये सारी 12 बजे निकलेंगे. नॉर्मल बातें हैं ये, जो कहीं भी बैठ के हो सकती हैं. कोई जरूरी नहीं है कि आज ही. सो वी आर स्टार्टिंग अ चेन लूप सेशन जस्ट बिफोर आवर राइड टू जिस्पा. ऑल द 5 बाइक्स हियर, हिमालयन BS6, 2 एक्सपल्स, अ टाइगर 800 एंड 850 GS. हमने मल्टी स्टार्टर खरीदी गोवा जाते हुए. अरे यार न्यूट्रल नहीं है. अरे न्यूट्रल नहीं. हां क्लच जा रही है पीछे. पीछे जा रही है, पीछे नहीं जा रही. इधर इधर से रोल कर रहा है भैया पीछे. चेन लूप प्रोसेस फॉर द एक्सपल्स. एक तो सीम्स लाइक अ वेरी लाइट बाइक, बट इट इज टेकिंग 3 पीपल टू बेंड इट साइडवर्ड्स टू गेट द चेन लूप डन. हो गई. Are we going to repeat the process for all the motorcycles over here? No. Barry's motorcycle has a center stand. Center stand is the best for looping chain. Done. This is safe, yaar. It's like what a cleaner. Ye le bhi kapda bhi. Ye actually DJ ka slip ho raha hai na, to wo jo traction control hota hai wo kick in karta rehta hai. That is why this kick. Acha, isliye. Ha. अरे यार चमक गई पूरा. इसका कलर डिफरेंट है, इस बार चेन का ना थोड़ा सा सिल्वर है. इस बार जो नई चेन लगवाया ना, नया स्प्रॉकेट लगवाया. इट्स अ ब्रांड न्यू, सो ऑब्वियसली हां इट इज शाइनिंग.
एक गोल्डन ऑप्शन भी था चेन में. हाउ इज दैट? आई मीन इट्स जस्ट फॉर द लुक्स बिकॉज़ ओनली द लिंक्स गेट कलर्ड, अदरवाइज द बेसिक प्रिंसिपल. यू थिंक दिल्ली टू मनाली इज इजी? दिस इज व्हाट इट डज टू द टेल लाइट of the tiger. See this, this is so dusty, this whole route Delhi to Manali, crappy conditions. So finally guys, it's 11:15 AM and we are all set to leave from Manali. अभी bikes पे चलेंगे, सारा सामान load करेंगे और ride start करेंगे. This was the Manali Heights Hotel with a decent view, not one of the best views, but if you see that weather at the top of the peaks, वहाँ पे बारिश का scene हो सकता है थोड़ा. पैकिंग ट्यूटोरियल चल रहा है युद्धवीर सर के साथ. बिल्कुल हमने मॉडिफाई कर दिया अपना सेटअप टाइगर का. पहले हमने डर्ट सैक बैग को लिटाया हुआ था, अब हमने खड़ा कर दिया. इधर से आके दिखा दे भाई कैसे हो रहा है. बिल्कुल पहले कल तो मैं लिटा के लाया था अपनी अकल लगा के, बट अब हमने इसे मॉडिफाई कर दिया एंड दिस इज़ नाउ वर्टिकल, परफेक्ट बैक रेस्ट बन जाएगा. एंड ड्राइनॉक्स के टैंक बैग को भी ऊपर माउंट कर रहे हैं. टैंक बैग टैंक पे लगा के बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता है राइड करने में, सैडल करने में. बार बार हैंडल की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है. एंड इट इज़ डन. Oh my god. Perfect. Sir, thank you sir. Thank you. So this is a minimalistic luggage setup on the BS6 Himalayan. Just one bag. I think that is one hydration bag. And you look at a overdone luggage setup on the Tiger 800. Three bags in fact. Then you say that the bike is heavy. So guys, we're all set to roll from Manali towards Jispa. All the bikes are ready. So let's start the ride guys. This is going to be one awesome day today. A short ride, 94 kilometers. Nothing much to brag about in terms of kilometers, but you will, I'm sure, enjoy it if you stay connected with me. One thing that we need to do before starting up is get a new hard disk or a couple of memory cards. Why? Because the hard disk, one of the hard disks that I have with me is not working. So I need to do a lot of backup every day guys to make these videos, because I record a lot of content on these trips especially. So hard disk lete hain pehle and then we'll move towards Atal Tunnel. Cruising down these slopes, we'll reach the Manali main market. We are going inside the Manali main market. I've gotten to know that there is a shop called Manali Computers where I'll get the hard disk. Guys, ये करना पड़ता है अगर वीडियो बनाने हैं तो. इट्स नॉट ईजी. एक होता है माइंड सेट सिर्फ, जिसमें आप जस्ट घूमने आते हो और बाकी किस चीज़ के बारे में नहीं सोचते. कंटेंट क्रिएशन वाले माइंड सेट में ना आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. चाहे कोई कुछ भी बोले, आप इन्जॉय नहीं कर रहे ट्रिप को, इन्जॉय कर रहे हो, जो भी है यार, बट इट ain't easy क्रिएटिंग कॉन्टेंट. HP वर्ल्ड मनाली कंप्यूटर हाउस. ओके तो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता. विल गेट अ हार्ड डिस्क हेयर फर्स्ट वाली. ओके हार्ड डिस्क होगी आपके पास कोई? हाँ. ओके सो गाइज, वी वर लकी, वी जस्ट गॉट द WD 4TB हार्ड डिस्क फ्रॉम द मनाली कंप्यूटर शॉप. दिस इज अ गुड प्लेस टू नो इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन वाइल ट्रैवलिंग. The sun is out greeting us, telling us to go out and ride. Just going through these small lanes in the Manali main market. Not very small, but I should say decent. The tiger's rumble is just egging me on to move and get going. पिछली बार मैं 3 महीने पहले इस सुजू पे आया था और ट्रस्ट मी गाइस, गाड़ी पे ना कोई मजा नहीं है इन रोड्स पे आने का. असली मजा इन रोड्स पे आने का है बाइक पे, व्हेन यू कैन हैव ऑल द फन दैट यू वांट. एंड आर दीज गाइस हियर? यस, दीज गाइस आर हियर. यहाँ पे आके ना सारी मेहनत वर्थ वाइल लगती है जब पहाड़ चालू हो जाते हैं. और ये वाले पहाड़ छोटे मोटे पहाड़ नहीं है ये दोस्तों, ना नैनीताल के पहाड़ है, ना मसूरी के पहाड़ है, ये है मनाली के बाद रोहतांग लाहौल वैली के पहाड़. स्टार्ट करते हैं रोहतांग का असेंड. लेट्स गो बेबी, एक्सपाउल्स तुसार.
on the axe pulse. This is Abhinav Bhatt. आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे ओ ये